जब से मेरा आखिरी एग्जाम शुरू हुआ है मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मैं अगर फेल हो गया तो एंड बिकॉज ऑफ दिस आई स्टार्टेड ओवरथिंकिंग, नॉट अ लिटिल बिट बट अ लॉट, एंड दिस विल ओवरथिंकिंग यो ब्रो। I'm surprised that it took this long. Bhai tera chill mein I took time off. Now I'm back to the grind. I full head strong. Mere hain kuch kaam so I gotta stay. तो कल मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन है। ये 4 साल का जो सफ़र था वो अपने अख्तिताम की आखिरी घड़ी पर पहुंच चुका है, क्योंकि कल हमारा लास्ट पेपर है और मुझे भी तैयारी भी करनी है। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा। सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी जो है वो पहुंच गए हैं। अभी अंदर जाके देखते हैं। 8:30 पर जो है पेपर शुरू होना है। और टाइम कितना है तैमूर? टाइम जो है अभी मैं चेक करता हूँ, टाइम 8:38 है। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। चलेंगे तो बराबर खैर खैरियत। अच्छा, आप पर निकल करेंगे? नहीं मैं करूँगा, मैंने वो रेड मार्कर भी लाया साथ। आप UFM केस बनाऊँगा। शान मैंने सुना है कि पिछले पेपर में आप पर UFM केस बना था। मुझ पर बन नहीं सकता, वो दूसरा बंदा था ना, उसने नकल पैंक दिया। वो मेरे साथ जाती दुश्मनी थी उसकी, तो खानदानी दुश्मनी, तो ऊपर से सर भी आ गया, खानदानी दुश्मनी थी। तो सर ने कहा कि ये आपका नकल, मैंने कहा सर मेरा नहीं है। नहीं असल उसके, उस बंदे के सर पर बाल नहीं है ना, तो नहीं नहीं, नहीं बात बात इधर तक पहुंची। मैंने उस बंदे को यहाँ से पकड़ लिया गिरफ्तार से, और पीछे बहुत हत्थापाई हुई, लेकिन फिर भी मुझ पे ये सहम बन गया। चीटिंग जो जितने भी बाल हैं ऐसे ऐसे उखाड़ो। दूसरे पेपर में मैं फुल तैयारी में हूँ, फुल नकल लेके आया। आज मेरा भी मतलब इसके बाद लास्ट पेपर है, आज मेरा फोर्थ पेपर है। दुआएं करते रहना कि मैं मतलब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पेपर है और इनका लास्ट पेपर है, और ये लॉर्ड अग्रेस है इसका भी लास्ट पेपर। सफी भाई आज आपके क्या तासुरात हैं? यार आज लास्ट पेपर है। हाँ लास्ट डे है इस यूनिवर्सिटी में। ओ माय गॉड, जड़ा रहा जी होश के पीछे चीज जी। अच्छा तो आप अपने क्लासमेट को जो आप वक्त आपने उनके साथ बिताया है 8-4 साल मुंह पे लिए, हमारे क्लास वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें दो बंदे अच्छे नहीं थे, इसमें आहिस्ते और बोले हमारे क्लास वाले थे, लेकिन इसके साथ हमें 4-5 अच्छे नहीं थे। मगर मैं नहीं कहने वाला पेपर ही पूरी की वाला मैंने खबर बजे कौन कवाई 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 ये बस एग्जाम का वेट कर रहे हैं। वो जो पेपर का टाइम जो है वो 8:30 है, और अभी कितने हो रहे हैं? 10। रीजन मैं बताऊं, लोगों ने वो फी जमा नहीं किया हुआ ना, तो इसलिए वो जमा करवा रहे हैं सोमवार से। अब रेत खस्ता थी करकार से ना, सिर्फ आपने सिर्फ ये यूनिवर्सिटी में 3 साल ये टेप इसने लगाई है। और ये लांदे वाले छोटा सा साशे आ गया है 8 सेमेस्टर का। 10 रुपए वाला साशे। क्या हाल है भाई? आज आपका लास्ट पेपर है और मैं कुछ अपने जिगरी दोस्त पे कुछ लिखना चाहता हूँ। ये क्या है नीचे छुपाए हुए है? ये हमारी रूम अरेंजमेंट ऐसी हुई है, रूम नंबर 5 देखिए, जहाँ पे सब ये नाम लिखे होते हैं, और हमारा एग्जाम चल रहा है। हाउ आर यू ब्रदर? ये रूम नंबर 4 है जहाँ पे हारिस की सिटिंग है। गाने कुछ इंसान के
बकायदा ये अब हर्ष की तरह हर्ष का नाम तो मोहम्मद हसनैन यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा वो इसके मेरे साथ 5 साल हो गए लेकिन इसको ये पता नहीं चला कि मेरा नाम हारिस अहमद है या हारिस है। ये सारे बीबीए के स्टूडेंट हैं, इनके पेपर अभी स्टार्ट होने वाली है। जान जान जी जान हाउ आर यू जान आज मैं बहुत नाराज हूं। क्यों नाराज हो? क्यों यूएलएम से ग्रेजुएट यार मुझे अपनी रूम नहीं मिल रही है, पता नहीं नाम कहां लिखा है। आज हमारा लास्ट पेपर है, इसके बाद हम लोग रोएंगे। वो आपको डिग्री कब मिलेगी? डिग्री तो 10-15 साल बाद मिलेगी। ताहिर ये हम रूम 6 में आ गए हैं और ये देख ले आप हर्ष कहाँ पे? आप तो यहाँ बैठे हो। आपका नाम गायब है, ना 6 में ना 4 में, मेरा नाम भी गायब है साथ। चेक कर ले, बात अगर बिगड़ गई ना तो आज कुछ नहीं हो सकता सर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। ये हमारे सीनियर्स फारिग हो रहे हैं, मैं भी इन पे कुछ लिखूंगा। ओहो हबीब आपकी क्या तसुरात है? यहाँ पे कुछ लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे तौबा तौबा तौबा। और मैं भी कुछ लिखूंगा। आजकल सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे जो कि जरूरत मुझे पैसों की। ये पीछे क्या लोग एवरी थिंग गोज इन योर फेवर गुड बाय। ये मेरे नल्ले दोस्त है, 8th सेमेस्टर में ये भी फारिग होंगे। इसका तो बड़ा देखो डॉक्टर नबीदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या तासुरात है आपके? जो ये आज का पेपर कैसे किया? आज का पेपर कैसे किया? और जो उसने पढ़ा है उस पर नहीं, किस पर गौर धरे? बोली क्या बोली क्या बोली बोली निकली गली यहाँ पे हॉल बना दो हॉल। तगर फिलास की पर्चा पे उली का लिख लो। हाँ हाँ स्टार्ट किया है मैंने कब का पता ही नहीं। मैं पोली का देखो कौन आया उधर रखना। ये अले गता ना आने वर्गों में उधर नंबर प्लेट और जोड़ को सोफत पक्का लगा हुए। ये क्या सबर करो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। खैर पर देखिए जी गल्ला करें ही नहीं।
तो अनऑफिशियली मेरा सफर अख्ताम पर पहुंच चुका है। ऑफिशियली जो है वो जून के एंड में होगा जब हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट अप्रूव किया जाएगा। लेकिन एक मिनट, मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट तो नहीं गया। आई से आंखें पाड़ पाड़ के क्या देख रही है? इससे पहले क्या खूबसूरत नौजवान नहीं देखे क्या तुम लोग? ससुरा आउटरो लगाना तो भूल ही गया। ये बीएस बोल वही वापस।